हम उड़िया लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हमको अशोक से पराजय मिला था, हम उड़िया लोगों की, मैं एक प्राउड उड़िया हूं। यू कॉल दिस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट री राइटिंग हिस्ट्री, ओके, व्हाट आर यू डूइंग बाय ऑल दिस इन वन लाइन? जस्ट आई एम गेटिंग गोइंग टू से दैट इन योर जर्नलिस्ट टर्म वी आर ड्रॉइंग ए बिगर लाइन. भारतीयकरण कर रहे हैं उसका क्या? इसमें कोई गलत है क्या? नहीं, मैं पूछा नहीं, इसमें गलत क्या है? आप ऐसे प्रभु जी आपको कहने में क्या कि भारतीयकरण कोई 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 हिचक नहीं है. हम तो कह रहे हैं, मैं अगर मैं भी आपके आपके विषय पे कहा कि मेरे 2500 साल की आइडेंटिटी है क्या इस देश में, मैं अभी तो आपके मंच पे पिछले बार भी कहा था, फिर उसको दोहरा, अगर मौका दिया तो फिर दोबारा दोहराता हूं. हम उड़िया लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हमको अशोक से पराजय मिला था, हम उड़िया लोगों की, मैं एक प्राउड उड़िया हूं, मेरे मन में दृढ़ता है. जब सम्राट अशोक उड़ीसा में आक्रमण किए, ये ट्रेड टैरिफ फॉर एलिफेंट के लिए, तब मेरे वहां डेमोक्रेसी था. मेरे वहां 2500 साल पहले अगर एक गणराज्य यानी कलेक्टिव विजडम काम कर रहा था, क्या मैं मैग्ना कार्टा के साथ कॉम्पीट ना करूं कि मेरे डेमोक्रेसी 2500 साल पुराना है, मेरे साहस 12 साल की बच्चे के अंदर इतना था कि अंग्रेजों की गोली को खातिर नहीं किया. अगर आपका अंडरस्टैंडिंग यही भारतीयता ही है तो मैं बड़े खुशी से कहूंगा इसी को ही दिखाना हम चाहते हैं. आप जिसमें अभिमान हो, जिसमें आइडेंटिटी बने, जिसमें लोग प्रेरित हो, उसको तो लाना ही चाहिए. मतलब विदेशीकरण से आप देशीकरण कर रहे हैं, भारतीयकरण कर रहे हैं? देखो, भारत कभी ये चक्कर में नहीं पड़ा है. हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना में विश्वास रखने वाले हैं. भारत की सामान्य लोगों की वसुधा यानी ग्लोबल व्यू डीएनए में ही है. मेरे वहां एक जगन्नाथ मंदिर की लोक संस्कृति में एक दलित व्यक्ति की चरित्र है, दासिया बाउरी. वो भगवान को बड़े समर्पित होके भजन गाता है उनके लिए. वो भी ग्लोबलाइजेशन सोचा था. सेंचुरी जोल वो जब भजन गाया था ना, वो छोटा नहीं गाया था, वो कभी अमेरिका नहीं गया था उन दिनों में. ये नील माधव पंडा दुनिया में हमारा घूमता है, नाम करता है उड़ीसा का, वो तब नहीं गया था. भक्त साल बगैर कोई नहीं आया था, मक्का मदीना से ही का था. आज की परिभाषा में माइनॉरिटी था, लेकिन महाप्रभु के लिए गाना गाए तो वही ग्लोबलाइजेशन मेरे थ्योरी में था. इसलिए ये सारे में ये जो विदेशीकरण स्वदेशीकरण, ये तो रिसेंट पास्ट की एक पॉलिटिकल नैरेटिव है. भारत ना उसमें कभी विश्वास किया था, ना आज भी कर रहा है, ना आगे ऐसे होने वाला है. ये भारतीयता है.